आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे NIOS क्लास 12 330 2023-24 का TMA यानी कंप्यूटर साइंस का उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो इसको आप देखें, पूरा बना हुआ है उर्दू मीडियम में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि NIOS और उर्दू से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो आप तक हम पहुँचाते रहें। आप इसके PDF असाइनमेंट, TMA प्रैक्टिकल, हॉल टिकट, NIOS की गाइड्स और जो हेल्प बुक, नोट्स, सब चीज़ अवेलेबल है उर्दू मीडियम में। तो पहला सवाल है, वेवेलाइट और नॉन वेवेलाइट मेमोरी के दरमियान फ़र्क लिखें। वेवेलिटाइल मेमोरी जैसा कि RAM यानी रैम एक्सेड मेमोरी के कंप्यूटर के आने ऑन होने के दौरान डेटा को आरजी तौर पर महफूज करती है। ये तेज़ है लेकिन ये जो है पावर ऑफ होने पर तमाम डेटा को खो देता है। नॉन वेव लेटाइल जैसे रोम जिसे पढ़ने के लिए मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस जैसे SSPS और या हार्डवेयर डिवाइस पावर ऑफ ऑन होने पर डेटा को बरकरार रखती है। इसके बाद दूसरा सवाल है, क्या किसी अदद को मुरब्बा मालूम करने के लिए C++ ग्रुप लिखें। तो इसका C++ ग्रुप यहाँ पे आप देखना है, इसी तरह से आपको ये पूरा लिखना है इसका, ठीक है, क्योंकि ये सारा इंग्लिश में ही है। तीसरा है सवाल, OSI सनद याफ्ता प्रोडक्ट के जरिए क्या मेयारात को पूरा किया जाता है। सोर्स कोड ऑफ लाइसेंस के मुसन्निफ या होल्ड होने के प्रोग्राम की तकसीम पर रिटेल जमा नहीं कर सकते। तकसीम शुदा प्रोग्राम की सोर्स कोड को सारिफ के लिए काबिल रसाई बनाना चाहिए। मुसन्निफ़ को प्रोग्राम की असल नाम के तहत काम में तरमीम और अखज करने की इजाज़त देनी चाहिए। किसी भी शख्स, ग्रुप या कोशिश के शोबे को प्रोग्राम तक रसाई से इनकार नहीं किया जा सकता। चौथा है, SAAS, PAAS और IAAS के दरमियान फ़र्क करें। IAAS का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर बतौर सर्विस। IAAS नेटवर्क इलेक्ट्रिक्स के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। IAAS वर्चुअल मशीनों और वर्चुअल स्टोरेज जैसे वसाइल तक रसाई फराहम करता है। इसके बाद है, IAAS एक सर्विस मॉडल जो है जो इंटरनेट पर परवास चाइल्ड्स के कंप्यूटरिंग वसाइल फराहम करता है। PAAS का मतलब है प्लेटफॉर्म बतौर सर्विस। PAAS डॉल्स इस्तेमाल करता है। PAAS एप्लीकेशंस के लिए तैनाती और तरक्याती रसाई फराहम करता है। SAAS एक सर्विस के तौर पर सॉफ्टवेयर के लिए खड़ा है। SAAS आखिरी सारिफ का इस्तेमाल करता है। SAAS आखिरी सारिफ तक रसाई फराहम करता है। इसके बाद है, मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं। आप कामयाब प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आप कौन कौन सी महारतें होनी चाहिए। तो इसका जवाब है कि मौसूलाती हुनर होना चाहिए, प्रोजेक्ट के मकसद को पहचानने, कामों की तफवीज करने और तयन के अराकीन, स्टेक होल्डर्स और क्लाइंट्स के साथ रबते, क़यादत और हौसला अफजाई। एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर आपको ज़रूरत है प्रोजेक्ट के जो अहदाफ हैं, अहदाफ को हासिल करने के लिए अपनी टीम को हौसला अफजाई और रहनुमाई करें। टाइम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट के निज़ाम अवकात और डिटेल्स और वसाइल का मौसर तरीके से इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी। मसाइल का हल, मसाइल पैदा होने होते ही उनकी शनाख्त और उसको हल करने के काबिल होना बहुत ज़रूरी है। डेस्क मैनेजमेंट, मुमकिन खतरात की निशानदेही करना, उनके असरात को अंदाज़ा लगाना और तख़फीफ़ की हिकमत अमली तैयार करना। बजट और वसाइल का इंतज़ाम, प्रोजेक्ट की मालियात और वसाइल की जिम्मेदाराना इंतज़ाम लागत में इजाफे को रोकने में मदद करता है। क्वालिटी एक्सेस इंश्योरेंस, इस बात को यकीन बनाना ताकि प्रोजेक्ट मखसूस मेयार के मेयार और मकासद पर पूरा उतरे। आखिरी सवाल है इसका, एक प्रोग्राम लिखें जो 3 अदद में सबसे बड़ा अदद दरियाफ्त करें। इफ एल्स का इस्तेमाल इसके अंदर, भाई ये सारी बातें इसी तरह लिख देना। और इसके बाद अगले पेज पे इसका लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल ऐसे लिखना है। फार्मूलाज हैं सारे के सारे, ये फार्मूलाज आपको लिखने हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जो आपके लिए कंप्यूटर साइंस का बनाया है मैंने,
330 पसंद आया और इसकी PDF असाइनमेंट नोट्स कुछ भी चाहिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।